शैतान अपनी दुनिया बना रहा था और उसे मजदूरों की जरूरत थी, इसीलिए वो गांव-गांव घूमकर गरीब मजदूरों को खरीद लेता था। एक बार जो शैतान की नगरी में गया वो कभी नहीं लौटा। यहाँ गांव में नंदन एक गरीब कुम्हार था। आए दिन उसकी पत्नी उसे खरी खोटी सुनाया करती थी। मेरे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं, जब से तुमसे शादी हुई है दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। मुझसे जो भी बन पड़े सब करता तो हूँ, और क्या करूँ। तुम और ज्यादा समय तक मटके बनाओ, कुछ मटके ज्यादा बनेंगे तो पैसे भी ज्यादा आएंगे। ठीक है, कोशिश करता हूँ। अगले कुछ दिनों तक नंदन ने ज्यादा समय काम करके मटके बनाए। इस बार लगता है अच्छी कमाई होगी। हाँ हाँ। पर जब नंदन इन मटकों को शहर के बाजार ले जा रहा था तो उसकी बैलगाड़ी का पहिया खुल गया और सारे मटके गिर के फूट गए। हे भगवान। इस घटना के लिए भी गीता ने नंदन को बहुत खरी खोटी सुनाई। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हो सकता। सोचा था वो मटके बेचकर तुम पैसे लाओगे, तब खाना बनाऊंगी। देखो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। बाप रे, अब क्या करें। क्या कर सकते हैं? पड़ोसन से कुछ मांग कर बच्चों को खिला दूंगी। हम दोनों को आज भूखा ही रहना होगा। हे राम। नंदन घर से बाहर निकल रहा था। कहाँ चले? मटके बनाने, कल तक कुछ बन जाएंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे। ठीक है। सर्दी की रात थी, नंदन अकेला अपनी मटके की दुकान में मटके बनाए जा रहा था। उसने मटके सुखाने के लिए कोयला आग जला रखी थी। कई घंटे बीत गए, लगभग आधी रात हो चुकी थी। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके दरवाजे पे आया। बेटा बहुत सर्दी है, कुछ मदद कर दो। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो खाने के लिए मुझे दे दो। अरे बाबा, आपको भी मुझ कंगाल की ही दुकान मिली? मेरे तो खुद खाने के लाले हैं। मेरे पास खाने को कुछ होता तो अपने बच्चों को नहीं खिलाता, पर सर्दी में आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने आग जलाकर रखी है, चाहो तो आप आग सेक सकते हो। वो बूढ़ा फकीर तुरंत अंदर आया और आग के पास बैठ के आग सेकने लगा। कुछ देर तक आग सेकने के बाद, बेटा तुमने मेरी बहुत मदद की, मुझे तो लगा था आज सर्दी में मैं जम ही जाऊंगा। भले ही तुम मुझे खाने को नहीं दे पाए, पर जो तुम कर सकते थे तुमने किया, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। 3 वरदान? पर मैं क्या मांगू? सोचो बेटा सोचो। ठीक है, तो मुझे पहला वरदान ये चाहिए कि जो भी मेरे इस चक्री को घुमाए वो बिना मेरी इजाजत के रुक ना पाए। ठीक है, अगला वरदान सोच समझ कर मांगो। मुझे दूसरा वरदान ये चाहिए कि मेरी इस चटाई पे जो भी बैठे वो बिना मेरी इजाजत के उठ ना सके। ठीक है, ये वरदान भी मंजूर है। बेटा तीसरा वरदान सोच समझ कर मांगना, तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ, मेरा तीसरा वरदान है कि कोई मेरी इजाजत के बिना कोई भी इस बटवे से कुछ निकाल ना पाए। ठीक है बेटा, तुम बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो, तुमने सारे वरदान बर्बाद कर दिए। तुम इतना सोना मांग सकते थे कि जिंदगी भर तुम्हारा परिवार खुशहाल रहता, पर अब क्या, अब तो वरदान दे दिए। अरे बाप रे, ये क्या किया मैंने। फकीर वहाँ से चला गया और नंदन अपने आप को कोसता रहा। अगली सुबह नंदन जंगल की ओर निकल पड़ा। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे वरदान में पैसा सोना मांगना चाहिए था। कैसा बाप हूँ मैं, अपने बच्चों को तो 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। हे भगवान, मुझे उठा ले। और तभी नंदन के सामने एक बूढ़ा आदमी आया। वो बूढ़ा आदमी दिखने में तो बहुत अच्छा था, पर उसके पैर उल्टे थे। नंदन ने उस आदमी के पैर देखे। अरे बाप रे, ये तो शैतान लग रहा है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। रुको रुको बेटा, तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम्हारा परिवार भूखा है। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, इतने पैसे कि तुम्हारा परिवार को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। भले ही ये शैतान है, पर ये मुझे पैसे दे सकता है। तुम्हें मेरे पास काम करना होगा,
ये लो 300 के सिक्कों की पोटलिया, ये मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ। और 6 बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो और 3 पोटलियां दे दूंगा। 6 में अपने सारे काम निपटा लो, क्योंकि 6 बाद तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। नंदन असमंजस में था, पर अपने परिवार का सोच के उसने वो पोटलियां ले ली। ठीक है, मैं आपको 6 बाद मिलूंगा, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए मालिक। ऐसा बोलकर नंदन अपने गांव की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में नंदन ने ढेर सारा राशन खरीद लिया और जब वो घर पहुंचा, अरे गीता ये लो, ये सब उठाओ। इतना सारा राशन, ये सब कहाँ से आया? मुझे नई नौकरी मिली है। कहाँ? शैतान के यहाँ। क्या, ऐसी नौकरी तो दुश्मन को भी ना मिले, वहाँ से कोई नहीं लौटा। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? रोना धोना बंद करो, वैसे भी यहाँ रहकर तुम लोगों के लिए क्या किया है मैंने? शैतान ने मुझे 3 पोटली सोने दिए हैं और 6 बाद जब वो मुझे लेने आएगा तो 3 पोटली और देगा। 6 हैं, तब तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। गीता सोच में पड़ गई, पर उनकी परिस्थिति खराब थी, उन्हें पैसों की जरूरत थी। सोने की मोहरों से नंदन के परिवार के 6 बहुत आराम से बीते और फिर 6 बाद शैतान हाजिर हुआ। अरे बेटा, मैं आ गया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। नंदन घबराया, पर उससे अपने वरदान याद आए। ठीक है मालिक, मैं अपने परिवार से विदा लेकर आता हूँ, पर अगर तब तक आप मेरा एक काम कर दे तो बहुत उपकार होगा। क्या काम? बस इस चरखे को चलाना है। अरे ये भी कोई काम हुआ, अभी करता हूँ। वो बूढ़ा आदमी चरखा घुमाने बैठ गया। नंदन दुकान के बाहर आया और हंसने लगा। शैतान चरखा घुमाए जा रहा था, पर वो रुक नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद नंदन वापस लौटा। अरे वाह, अब तक आप चरखा चला रहे हैं, वाह वाह। अरे इसे रोको, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे रोको। मैं तुम्हें 1 की छुट्टी और 300 की मोहरे और दूंगा, पर इसे रोको। ठीक है ठीक है, रुक जा चकरी। नंदन के बोलते ही चरखा रुक गया और बूढ़े आदमी ने नंदन को 3 की पोटली दी और वहाँ से 9:11 हो गया। अगले 1 तक नंदन का परिवार बहुत हंसी खुशी रह रहा था। गीता ने नई साड़ियाँ और गहने खरीदे थे, घर में हर सुख सुविधा थी, पर नंदन अब भी मिट्टी के घड़े ही बनाया करता था। 1 बीत गया और शैतान वापस नंदन की मटके की दुकान में आया तो वहाँ नंदन नहीं था, उसकी पत्नी गीता थी। नंदन नजर नहीं आ रहा है। आप बैठिए, वो अभी आ जाएंगे, मैं उन्हें भेजती हूँ। ठीक है ठीक है। वो बूढ़ा आदमी चटाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद नंदन वहाँ पहुँचा। बूढ़े आदमी को चटाई पर बैठे देख वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर से आप आ गए मालिक, आ तो गए हो पर जा नहीं पाओगे। क्या मतलब, पहले उठ के तो दिखाओ। बूढ़ा आदमी उठने की कोशिश कर रहा था, पर वो चटाई से चिपक चुका था। अरे मुझे इससे अलग करो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें 3 पोटली सोना और 1 की छुट्टी दूंगा। ठीक है, चटाई छोड़ दो इसे। बूढ़े आदमी ने नंदन को 3 पोटली सोना दिया और वहाँ से चला गया। 1 बाद शैतान फिर लौटा, इस बार वो दुकान के अंदर नहीं घुसा। इस बार मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं 1 की मोहर बन जाता हूँ, वो कुम्हार मुझे खुद उठाएगा और फिर रात को उसे अपने वश में करके मैं अपनी नगरी ले जाऊंगा। बूढ़ा आदमी स्वर्ण मुद्रा में बदल गया। शाम के समय नंदन दुकान के बाहर निकला और उसका ध्यान स्वर्ण मुद्रा पर पड़ा। उसने वो मुद्रा अपने बटुए में रख ली। रात के समय बटुए के अंदर बंद शैतान बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मुझे बाहर निकालो, छोड़ो मुझे। अच्छा तो तुम हो, तुम्हें यही जगह मिली थी, अब रहो कैद यहाँ पर। अरे मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगा और तुम्हारे 10 के सिक्कों की पोटली भी दे दूंगा। नंदन ने अपना बटुआ खोला
और शैतान को आजाद किया। शैतान ने नंदन को 10 सोने के सिक्के की पोटलियां दी। पहली बार कोई इंसान मुझ पर भारी पड़ा है। शैतान गायब हो गया और नंदन और उसका परिवार हमेशा सुखी रहा।